और मीलाद मुस्तफा का अदब और एहतराम करना इंतहाई अजहद जरूरी है। जिन लोगों ने इस काम से हिस्सा लिया मैं सबको मुबारकबाद और उनके शुक्रिया के साथ। अब मैं अपने इस अजीम उशान लायक अदब एहतराम फातिमे नौजवान मुखालिफ में शोला बयान गुले गुलजार अशरफिया हिलाल फलक इश्तिया लाजिश फजल खिताबा पीर तलीगर अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद हसन कमाल अशरफ साहब इल्ला अल अशरफ जिलानी की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि खिताबत में जो है पुर जमाल आ रहे हैं, खिताबत में है जो पुर जमाल आ रहे हैं, मेरे दोस्तों हजरत हसन कमाल आ रहे हैं। सामईन मोहतरम अब्बा अदब हो जाइए, सामईन मोहतरम अब्बा अदब हो जाइए, नारे तकबीर से अब कल्ब को गरमाइए। हाँ मिलाने अर्श भी सुन ले तेरी तकबीर को, हाँ मिलाने अर्श भी सुन ले तेरी तकबीर को, रश्क से देखे मलाइका अब तेरी तकबीर को। हजरत का इस्तकबाल नारा है तकबीर से, नारा وشهداء محبته اجمعين اما بعد فاضل الله من الشيطان الرجيم
या को रखवाना तो जाके अल्लाह से निपटो, नाम पैदा हुए थे, नाम पैदा हुए थे, तब
अल्लाह ने करवाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मकान से पाक, बेशक अल्लाह मकान से पाक है। तो अल्लाह ना मकान, ना के मकान, वो ना मकान से मकान वाले को पुकारे और हम मकान में रहकर मकान वाले को पुकारे। है वाह वाह वाह, हक है, हक है, क्या बात। हो सकता है कोई मजबूरी में नबी को मानता कि यार अभी नहीं कहेंगे तो मुंह नहीं देखा देंगे, यार रसूल अल्लाह नहीं कहेंगे तो मुंह नहीं देखा देंगे और पी पी के हमला करते हैं। ऐसे लोगों का ना नबी के घर वाले को कोई लगाव है, नजर वालों से वाह घर वालों के वफादार है, नजर वालों के। तो ऐसे लोगों का के हक को बेनकाब करने के लिए हमने कहा नारे हैदर या अली, नारे हैदर या अली। क्योंकि ये तो हो सकता है कि कोई खुदा को माने, मुस्तफा को ना माने, ये भी हो सकता है कोई मुस्तफा को माने, अली को ना माने, लेकिन ये हो नहीं सकता कि कोई अली को माने और नबी को ना माने। एक सहाबी रसूल दरकार, हजरत अली ने एक सहाबी रसूल से फरमाया जो नबी से एक बार मिलेगा वो मुझसे दो बार मिलेगा। वो सहाबी रसूल दरकार के पास या रसूल अल्लाह, अली अजा फरमा रहे थे जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे दो बार। सरकार ने फरमाया अच्छा, अली ने अजा फरमाया बुलाओ अली को। अली हाजिर हो या रसूल अल्लाह, आपने मुझे बुलाया। सरकार ने फरमाया अली तुमने क्या कहा है, तो नबी से एक बार मिलेगा वो मुझसे दो बार मिलेगा। मौला अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ये मैंने कहा फरमाया है, ये तो आपने फरमाया है ना अली ने तुम्हें बोली है। भिवंडी की सरजमीन पर आलिम दीन वही है जिसके पास इल्मे रसूल है, जिसके पास उन्होंने जो प्रॉफिट है वही आलिम दीन, जिसके पास इल्मे रसूल है आप कोई आलिम दीन है। नेता पढ़ लेने से आप आलिम दीन नहीं हो जाएंगे, मंदिर पढ़ लेने से आप आलिम दीन नहीं होंगे, 40 दिन बाहर जाने से भी आप आलिम दीन नहीं होंगे, 14 दिन में भी आप आलिम दीन नहीं होंगे, 7 दिन में भी आलिम दीन नहीं होंगे। बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन लेने से भी आप आलिम दीन नहीं होंगे। इल्मे रसूल है और इल्मे रसूल कहाँ है, मदीनतुर रसूल में। अरे भाई रसूल के इल्म के शहर में जाओगे तो इल्म मिलेगा, आपको कपड़ा लेना है तो गोश्त की दुकान पे जाओगे, रेलवे का टिकट लेना है तो एयरपोर्ट जाओगे, गोश्त लेना है तो दर्जी के यहाँ जाओगे, नहीं गोश्त लेना है तो गोश्त की दुकान पे, सब्जी लेना है तो सब्जी की दुकान पे, मछली लेना है तो मछली की दुकान। उसी तरह रसूल का इल्म लेना है तो मदीनतुल इल्म में जाओ, लेकिन मदीनतुल इल्म में बदअकीदा लोग जाएंगे कैसे, दरवाजा मौला अली है। तो जिनके ताल्लुकात भिवंडी में मौला अली से अच्छे है वही आलिम दीन है। अरे भाई गेट के अंदर जाओगे नहीं तो माल मिलेगा ही। तो नारे हैदरी से हमें हर दौर के यजीदी से टकराने का हौसला, हर किस्म की हमें तशद्दुदी से टकराने का सोच है, चाहे वो राजनीति का आतंकवाद हो, कितना भी बड़ा नाइक हो, खलनाइक हो, उन सबसे हमें टकराने का हौसला है। अदाब ये तो मैंने नारे की वजाहत के लिए सब कुछ कहा, अब आइए अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, कंसंट्रेट योर माइंड। आई वुड लाइक टू इनवाइट योर फुल अटेंशन इन कंसंट्रेट विद लेक्चर। थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को आकर्षित रखिए ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं, मैं सुना सकूं, आप सुन सकूं। आज मैं जिस आयत करीमा की तरफ, अब मैं किसी तमीज की तरफ नहीं जाऊंगा, सीधे मैं हनुमान जी की तरफ आ रहा हूं। जैसा कि भेजा हमने तुमने एक रसूल, जैसा कि भेजा हमने तुमने एक रसूल, रसूलन के जो तनवीन है मुफस्सिरीन इकराम ने इस सिलसिले में जो तफसील की है वो अहले इल्म हज़रात अच्छी तरह से जानते होंगे कि तनवीन बयान अज़मत के लिए है। तो इस माने को जब सामने रखेंगे तो माना यह होगा कि जैसा कि भेजा हमने तुमने एक शानदार रसूल, अज़मत वाला रसूल जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं, मगर यहाँ रब तबारक व तआला तारीफ कर रहा है, हमने भेजा, हमने भेजा। आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, इस पूरी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छह सिफतों को जिक्र किया, छह।
एक सिफत को हर बार बताना भी अपनी तरफ और पांच महबूब की तरफ। अल्लाह हमने कह जाए कि सिफत को हर बार बताना भी अपनी तरफ और पांच महबूब की तरफ। शानदार रसूल की पहली सिफत तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करते हैं, तुम्हें साफ और सुथरा करती है। दूसरी सिफत वही अलीकुमुल किताब और तुम्हें किताब की तालीम देती है। तीसरी सिफत वह हिकमा और हिकमत की तालीम देती है। चौथी सिफत वही अलीकुम मालन सकून तालीम जो तुम नहीं जानते वो रसूल बताते हैं। ये पांचवी सिफत उस शानदार रसूल के पांच सिफत मेरे नबी की तारीफ को सही करते हैं। सही करते हैं लेकिन पूरी सही तारीफ कोई कारोबार नहीं करता। पूरी तारीफ कोई कारोबार नहीं करता। करे तो कैसे करे, तारीफ के लिए पहचान जरूरी है। जब तक हम आपको पहचानेंगे नहीं तब तक तारीफ नहीं करेंगे। तारीफ के लिए माफा करूंगी तो मेरे नबी की तारीफ करने वालों पहले ये तो बताओ जिस नबी की तुम तारीफ कर रहे हो उस नबी को पहचाना। अगर पहचाने तो तारीफ करें। मियां बिल्कुल साफ़ की बात है कि जैसी पहचान वैसी तारीफ। अगर हमारे पास कामी है तो तारीफ कामी, अगर हमारे पास नाकिस है तो तारीफ नाकिस। यह बात नबी ने वादे कर दी जना के सिद्दीक के अब्बास से खिताब किया। यहाँ बेहतर ये हो गया कि सूफिया इकराम बुजुर्गाने दीन के मंसूबात का सहारा लेकर उनके पास बताओ।
आईने का दो रूप, क्योंकि राम मुल्ला ने भी फरमाते आईने मोहम्मदी का दो रूप, एक रूप बंदों की तरह एक खुदा की तरह, एक रूप बंदों की तरह एक खुदा की तरह, एक रूप आईने मोहम्मदी का एक रूप बंदों की तरह एक खुदा की तरह। इब्राहिम लोगों को धोखा न खाना और ये गुना खाना, दोनों रूप की सदाएं अलग अलग, आईने मोहम्मदी का वो रूप जो बंदों की तरह है वो सदा दे रहा है, मेरी बात वही होती है जो खुदा की वही होती है, मेरी बात वही होती है जो खुदा की वही होती है। हमने भेजा, हमने भेजा फीकुम तुम, कुरान करीम का अंदाज़ बयान तो देखिए, अफ़ाह को बलागत को देखिए, रसवाल को काला क्या फरमाता है अल्लाह के बाद, फीकुम फिर रसूलन का लफ्ज़ फिर मीन तुम, यानी हमने जो तुमने भेजा रसूल तुमने से एक, तुमने से एक ऐसी भी मंजिल आए कि जहाँ पर पहुँचने के बाद आपका कोई साथ देने वाला नहीं, यहाँ सब साथ देने वाले हैं, वहाँ कोई साथ देने वाला नहीं, वो ऐसा बची जब आप वहाँ जाओगे तो कोई साथ देने वाला नहीं, मैदाने हज में कोई साथ देने वाला नहीं। बोलो तुम में से इस मुकाम पर वर्मा इकराम फरमाते हैं कि जिस तरह दुनिया में एक मेहरबान माँ अपने इकलौते बेटे को तलाश करती है, जब एक इकलौता बेटा होता है घर से बता के जाता है कि मैं एक घंटे दो घंटे में आ जाऊंगा और नहीं आता तो वो माँ बेचैन हो जाती है, कभी दरवाजे के अंदर बाहर हर चलने फिरने वालों से वो माँ पूछती है कहीं तुमने मेरे बेटे को तो नहीं देखा, कहीं तुमने मेरे बेटे को तो नहीं देखा। उसी तरह मैदान कयामत में मेरा नबी अपने चाहने वालों को दुनिया में हम तालिक में नबी मतलू उम्मती तालिक नबी मतलू, लेकिन मैदान कयामत में इसका उल्टा, रसूल तालिक उम्मती मतलू, यहाँ हम तालिक रसूल मतलू वहाँ रसूल तालिक उम्मती मतलू। अगर आप चाहते हो कि रसूल तालिक हो और हम मतलू वहाँ, तो आपको एक वजीफा बता दे उम्र भर इंशाल्लाह आपको काम आएगा, और वो बहुत मशहूर वजीफा है, ये हमें हदीस पाक ही से मिला, ये सब फसाद देखा लोग नतीजा, जब कल के अंदर फसाद हो जाएगा तो दिमाग काफी होता, जहन काफी होता, हाथ की हथेलियों में फसाद पैदा होता, पैरों में फसाद पैदा होता। इमाम अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, कल वो अमीर गलत जैसा कल बाकी मस्जिद में चलता, इसलिए सूफिया बुजुर्गों ने दिन में हाथ की सलाह नहीं की है, कल की सलाह की, पैर की सलाह नहीं की है, कल की सलाह की है, कल की सलाह होती है, मखदूमे जमनानी के दरबार में कल की सलाह होती है, दीवान शाह के दरबार में कल की सलाह होती है, और यही दोस्त को यही सुन्नत है जिसका पाकि पाक होगा उसका जाहिर भी पाक होगा, जिसका पाकि पाक होगा उसका जाहिर भी पाक होगा, उसके कल पूरी लानत है। इससे बचो, जिसके कल के अंदर फसाद होता है ना उसको हर तरफ को देखना, ईमान सही दिखता ही नहीं, बता दे कल का नतीजा है, इसीलिए क्या कहा पुरानी आयत पर तवज्जो दे, ये तुम अलैहि आयत है वो युजर की तुम वही वाले मुमूल किताब, आप जरा देखा है तकिया पहले सफाई पहले तालीम पर
मदरसे में पढ़ाया जाता है, खानकाहों में पिलाया जाता है, मदरसे में दाना बनाया जाता है और खानकाहों में दीना जाता है। तो मदरसा और है, खानकाह और है। तो अब नफ्स का किया पाक से फेंक दिया जाए, आज के जिले हुए माहौल में पाक से फेंक दिया जाए। ये जो इज्तिमा हुआ ये सब इसी के लिए, ये प्रोग्राम हुआ जैसे ये सब इसी के लिए। तो अब आज के जिले हुए माहौल में नफ्स का किया पाक से फेंक दिया जाए, इसीलिए जरूरत है हम सरदारे कौमों में लकी, इसीलिए जरूरत है खान का होगी, इसीलिए जरूरत है सच्चे तीनों मुर्शिद की, इसीलिए जरूरत है खानदान अहले बैत की, ताकि काम का ही निजाम चले, काम का ही निजाम खान का ही निजाम चले, काम का ही निजाम है। क्या बात है, क्या नुकसान है, बहुत बहुत। ये नफ्स हमारा है, ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये नफ्स हमारा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। और सूफिया कराम बुजुर्गों ने दीन ने इसे भी पाक किया है, और पाक कैसे किया जाए वो तरीका भी बताया है। ये मुरादेबा, ये मुहादेबा, ये पाक करने का तरीका। अब मैं क्या बताऊं, हजरत सैयद उस्मान ने कभी अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस्मान जो चाहो करो, जो चाहो करो। इसका मतलब ये ना ले लीजिएगा कि हजरत उस्मान को अल्लाह के रसूल ने गुनाह की इजाजत दी, ऐसा नहीं। ये कहने से पहले उन्हें पाक किया, क्या समझे उनके नफ्स अम्मारा को नफ्स मुतमईना में बदल दिया। इसका है उस्मान जो चाहो करो, अपन ज्यादा नहीं कर सकते। ये नफ्स अम्मारा जिसको बुजुर्गाने दीन सूफिया फरमाते हैं ये नजीसुल आयन है। नजीसुल आयन, नजीस नजीसुल आयन। कपड़े में नजर पड़ लग जाए इमाम साहब के पास आप जाइएगा, मसला बता देंगे, कैसे पाक किया जाए बता देंगे। पानी से धुल दो, धुलोगे तो साफ होगा, साफ होगा तो पाक हो जाएगा। लेकिन ये नफ्स हमारा है, इसे कैसे पाक किया जाए, इसे कैसे नजात मिले। एक मकाम पर बुजुर्गाने दीन सूफिया फरमाते हैं कि हकीकत बदल दो, कपड़े में नजाजत लग जाए तो फाकी का मसला कलमा से मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये नफ्स हमारा है इससे कैसे बचा जाए, ये नजीसू है इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे नजात मिले। मिसाल के तौर पर ये गोबर है ना, गाय भैंस भैंस का गोबर, इसको कैसे पाक किया जाए, हजरत कैसे पाक किया जाए, मैं बताता हूँ। लेकिन ये नफ्स हमारा ही नजी सुने नीचे पीछे पा गया, तो वो सबको पाक करना है तो दुनिया भी आग में जला दो, और नफ्स हमारा से नजात चाहते हो तो इसके मुस्तफा की आग में जला दो, अगर तुम्हारा नफ्स हमारा इसके मुस्तफा की आग में जल कर राख हो जाएगा तो नफ्स मुतमईना बन जाएगा। उसे नफ्स मुतमईना का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, गरीब नवाब है, बड़े सुनामी है, मजदूर सुनामी है। मुतैन नहीं किया अलहमद लेकर और ना किसी का सही तरह कहीं कहीं के नाय रसूल का जिक्र मिले मुद्दिन मुजमिन यासीन क्या यही है, ऐसा नहीं ये भी है वो भी है, जो तुम समझो वो भी है, जो ना समझो वो भी अल्फाज पास छोड़ोगे वो भी है, जहाँ तक तुम सोचो तुम्हारी सोच तुम्हारा साथ छोड़ दे उतर गया। क्या बताऊं ये मिल्ल में इतना इंतजार, ये शराब, ये फतवा, ये लड़ाई, ये झगड़ा, दो पैमाने बना लिए, दो पैमाने और चार झगड़ा फिर से, कोई पैमाने पर शरिया से मोहम्मदी मुकाम को नापना चाहता है, कोई पैमाने नूरानिया से मोहम्मदी मुकाम को नापना चाहता, कोई पैमाने पर शरिया से मोहम्मदी मुकाम को तौलना चाहता है, कोई पैमाने नूरानिया से मोहम्मदी मुकाम को तौलना चाहता है,
लेकिन मैं क्या देखता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो झूला नजर करूँ। बताओ हो गए, ये दोनों पैमाने पैमाने बचैया का पैमाने नूरानिया मुहम्मदी मुकाम की चौखट पर क्या कहना है, अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और साथ में मौला अली। पता ने बनाया कि देखो अल्लाह का हुक्म हो गया, रात को रात मुझे जाना है, मेरे पास काफिरों की कुछ रखी हुई अमानत है, फलाती 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 को ऐसा करो तेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना उस पर लोगों ने जाना जिसकी जिंदगी अमानत है उस तक पहुँचाना। क्या कहना, हालांकि वो बिस्तर बिस्तर मौत है, दुश्मन के साथ और वो अगला सेवा जैसे पड़ता लगता इंसानियत के मध्य के कदम गति का मध्य के कदम उसको बर्बाद करने वाले वो खड़े हैं, क्या भरोसा। लेकिन मौला अली फरमाते हैं उस दिक्कत पर मैं चैन की नींद सो गया, की जिस दिक्कत पर मौत मंडला रही वहाँ चैन की नींद, जो दुश्मनों की सब्ज हो वहाँ चैन की नींद, जो काफिरों के टारगेट पर हो वहाँ चैन की नींद। चैन क्यों ना, बेचैनी किया हूँ यही हो गया होती ना कि मौत किसी भी वक्त आ सकती, किसी भी हालत में आ सकती। तो नेक बंदे अपनी हर हालत पर नजर रखते हैं, ये मौला मौत जब भी आए जिस हालत में आए मैं अच्छी हालत में रहूं। तो यकीन यकीन को लाए यकीन मौला अली फरमाते हैं उस बिस्तर पर मैं चैन से किया सोया कि नबी ने बुलाने से पहले कहा था मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना उठकर लोगों में जाना जिनकी जिनकी अमानत है उन तक पहुँचाना। अली समझ गया अली कभी नहीं मर सकता है, लेकिन आज की रात अली को मौत नहीं आई, अगर आपको कोई कहे जलते में नबी नहीं आते नहीं दिखते नहीं देखते तो समझ जाना कंकड़ी का असर अभी जारी है, मकान वाला नबी आगे चला गया।